बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी से अलग हो चुकी जदयू अब बिखरने की कगार पर पहुंच चुकी है। जदयू के कमजोर होने का हवाला देते हुए पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार हाईकमान के खिलाफ मुखर हैं। मसलन कुशवाहा के बगावती तेवर से नीतीश कुमार की नींद उड़ी हुई है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने एक और पासा फेंका है जो नीतीश कुमार के सामने बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से कथित तौर पर बगावत करते हुए जदयू नेताओं की अलग बैठक बुलाई है। एक इंटरव्यू से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये पैरेलल मीटिंग नहीं है, वो लगातार पार्टी को मजबूत करने की मुहिम में लगे हुए हैं। सब लोगों से आग्रह किया है, आइए और विमर्श कीजिए। कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी के मंचों पर उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कई बार मैंने कहा है कि पार्टी के साथियों से विमर्श करना है। सबके मन में चिंता है कि पार्टी कैसे बचेगी, चिंता को चिंतन में बदलना है। कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के कमजोर होने के कारण मुझे ये दिखता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे संवाद बंद कर दिया है, ऐसे में कैसे सही बात उन तक पहुंचेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के आसपास एक ऐसा घेरा बनाया है जिससे वो खुद नहीं सोच पाते। कुशवाहा ने ये भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार खुद से सोच विचार करते हैं तो वो सही सोच सकते हैं। राजद के साथ गठबंधन पर कुशवाहा ने कहा कि जब से ये बात आ रही है कि गठबंधन बनाते समय कोई डील हुई है, तब से लोगों के मन में चिंता आ गई है। आरजेडी के नेताओं ने कहा है कि डील हुई है, ऐसे में जानना है कि आखिर क्या डील हुई है। शायद यही है कि मुख्यमंत्री जी आप हट जाए। राजनीति तो परसेप्शन के आधार पर होती है। ऐसे में अगर कोई डील नहीं है तो इसके बारे में बताएं ताकि पार्टी के लोग सोच सकें। उन्होंने आगे कहा, जब नीतीश जी को मौका मिला तो सबने सोचा कि आखिर कोई तो है जो बिहार के लिए कुछ सोच रहा है। सब जानते हैं कि 15 साल आरजेडी की सत्ता में क्या हुआ। फिर से उन्हें सत्ता को सौंपने की बात हो रही है, जिन्होंने 15 साल शोषण किया हो उनको फिर से सत्ता सौंपना कैसे सही है। उल्लेखनीय है कि उपेंद्र कुशवाहा के पिछले कुछ वक्त से जदयू छोड़ने की अटकलें चल रही हैं। हालांकि वो खुद से इसे इनकार कर चुके हैं, मगर नीतीश कुमार पर उनकी बयानबाजी लगातार जारी है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की वजह से सत्ता में उनके भागीदारी नहीं होना और अगले चुनाव में तेजस्वी यादव को महागठबंधन के नेता के रूप में आगे करना माना जा रहा है। बता दें कि कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार ने संकेत दिए थे कि उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हो सकते हैं।